हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नव भारती स्टडी सर्किल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में अगर उसको फिल कर दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अगर फिल कर दिया जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा, और साथ ही हमने पोलराइजेशन वेक्टर भी देखा था, पी वेक्टर इक्वल्स टू चाय ई इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई होगा और इक्वल में आएगा सिग्मा पी। तो वहाँ से हमने जो इलेक्ट्रिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी है उसका फॉर्मूला भी डिराइव किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने उसमें फिल किया तो उसका इफेक्ट तो हमने पढ़ लिया था, आज बात करेंगे कि अगर उसको कम्प्लीटली फिल्ड कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस कितना होगा। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट डेरिवेशन में कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को अगर प्लेट्स के बीच में पार्शियली फिल करें तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आएगा। और तीसरा हमारा डेरिवेशन है कि अलग अलग विड्थ के अलग अलग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर फिल कर दिए जाएँ वो भी कैसे, उसमें ही दो डेरिवेशन हैं। अगर अलग अलग विड्थ के अलग अलग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पूरे उसके बीच का जो स्पेस है, जो डी डिस्टेंस में जितना भी स्पेस आ रहा है उसको पूरे को कवर कर रहा है, अगर पूरे को कवर करे तो कितना फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होगा, और अगर वहाँ पर एक एयर या फिर वैक्यूम भी बीच में है तो क्या फॉर्मूला होगा। वो दोनों ही फॉर्मूला एक ही डेरिवेशन में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर कंप्लीटली फील्ड है डाइलेक्ट्रिक मीडियम दोनों प्लेट्स के बीच में तो कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला आने वाला है। देखो स्टूडेंट्स, हमने बात की थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, उसके अंदर जो एयर वैक्यूम के कारण जो फॉर्मूला आया था कैपेसिटेंस का वो था सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। एंड जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने रख दिया था तो फॉर्मूला आया था हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। तो इन दोनों फॉर्मूला में हम देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम का फॉर्मूला है, और आज हम बात करने वाले हैं वही डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जो कि हम प्लेट्स के बीच में कंप्लीटली फिल्ड करने वाले हैं। तो यहाँ तो हमने कोई पार्शियली फिल्ड की बात नहीं की थी, तो इसका मतलब क्या है, आज हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं वो सेम डेरिवेशन होगा जो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में किया था। टॉपिक अलग है, और किस तरह से ये डिराइव होगा, किस तरह से हम कंप्लीटली उसको फिल्ड करेंगे वो आज देखना है। तो नेक्स्ट डेरिवेशन के थ्रू हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें दो प्लेट्स लेनी है। ये दो प्लेट्स हैं जो कि हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं और एक लाइन के थ्रू भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो लाइन जो है वो एक प्लेट ही कंसिडर होनी चाहिए। और ये जो है वो किसी भी शेप में हो सकती है, रेक्टेंगुलर, सर्क्यूलर या फिर और स्फेरिकल में भी हो सकती है। तो अगर इन दोनों, ये दोनों जो प्लेट्स हैं इनको अगर सेम शेप एंड साइज में रखा जाए और दोनों को पैरेलल रखा जाए और साथ ही दोनों को सेम चार्ज से चार्ज किया जाए, लेकिन उनकी जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो होगा वो अलग अलग होगा। मान लो प्लेट अगर ए है वो कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो दूसरी प्लेट कैसी होनी चाहिए, नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए। लेकिन जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कैसा होगा, सेम होगा। इसलिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो भी कैसी होगी, सेम होगी, लेकिन ऑपोजिट होगी। ये प्लस सिग्मा तो इसको हम लिखेंगे माइनस सिग्मा। अब हमें देखो क्या करना है कि इन दोनों को, देखो डायग्राम जब हम बनाते हैं तो फर्स्ट चीज़ हमको ये भी याद रखनी है कि इसको हम किससे जोड़ते हैं, एक इंसुलेटर से जोड़ते हैं जो कि जिसमें अर्थिंग हो रखी होती है। जो प्लेट सेकंड है इसके हमने प्रिंसिपल में बात की थी कि जो कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, मतलब क्या सिद्धांत है उसका, क्या प्रिंसिपल है, कि हमने प्लेट बी पे जो पॉजिटिव चार्ज थे उनको क्या कर दिया था, उनकी अर्थिंग कर दी थी। तो सेम हमें क्या करना है, जितनी भी बार हम इस तरह कैपेसिटर का डायग्राम बनाते हैं हमें इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना होता है। और जो फर्स्ट प्लेट है उसको हम इंसुलेटिंग रखते ही हैं। तो अब क्या करना है, देखो पैरेलल प्लेट हमारे पास कैपेसिटर है, उसको कम्प्लीटली फिल्ड करना है किससे, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से। तो हमने मान लिया कि ये जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उससे हमने इसको फिल कर दिया है। अब क्या करना है, इसके लिए हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें मालूम है, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, ये फॉर्मूला हम लिखते हैं। यहाँ क्या करना है, हमें पोटेंशियल निकालना है कि ये जो दोनों चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस के कारण यहाँ पर जो पोटेंशियल जनरेट होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो क्या होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो हम लिखते हैं ईडी, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स।
तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अब हमें डिराइव करना है। सबसे पहले क्या किया हमने, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला रखा। यहाँ वी हमें पोटेंशियल चाहिए जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, कब, जब दोनों प्लेट्स के बीच में ओनली क्या हो, एयर वैक्यूम हो। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर एयर वैक्यूम नहीं है और ये कम्प्लीटली फिल्ड है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से, तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से कम्प्लीटली फिल्ड होने के कारण यहाँ पर ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है और इसके साथ इसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ ही गया है, तो अब हम इसको इसमें पुट करेंगे सिग्मा का फॉर्मूला। तो सिग्मा क्या है, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, कि दोनों प्लेट्स जो है उनके ऊपर कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा क्या होगा कि जितना भी टोटल चार्ज है यहाँ पर और पर यूनिट एरिया में जितना चार्ज है वो क्या होगी, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। एरिया को हम ए से भी डिनोट कर सकते हैं, एस से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग से हम ए से ही डिनोट करते हैं, तो यहाँ हम लिख लेंगे ए। इसको हमें पुट करना है इसके फॉर्मूले में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमारे पास कितना आ जाता है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड। अब क्या करना है, थर्ड इक्वेशन को अगर हम पुट कर दें सेकेंड इक्वेशन में तो हमारे पास जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, वी इक्वल्स टू ई का फॉर्मूला हमारे पास है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, इसमें डी आ रहा है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आती है फोर्थ इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब क्या करना है, सीधा इस पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पुट करना है कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में। तो यहाँ सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, ये Q है, डिवाइड कर देंगे हम इसको Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। Q D के अपॉन में क्या है, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R है, जो इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। अब क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर Q से Q कैंसिल आउट हो रहा है, C का फॉर्मूला हमारे पास आ गया A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। देखिए स्टूडेंट्स, ये वही फार्मूला है जो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जब हमने कंसिडर किया था कि वहाँ पर अगर एयर वैक्यूम ना हो तो अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस वहाँ पर प्रेजेंट हो तो फार्मूला क्या आएगा कैपेसिटेंस का, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। तो यहाँ भी हमने यही बात की थी। और साथ साथ एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस तो यहां पर फील्ड है लेकिन वो कैसा है, वो कंप्लीटली फील्ड है। इसके नेक्स्ट डेरिवेशन में हम बात करेंगे जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस पार्शियली फील्ड हो तो फॉर्मूला किस तरह से चेंज हो जाएगा, इसका न्यू वर्जन जो आएगा वो क्या आएगा। देखो हमने यहां पर सिर्फ बात की है, हमने एक कैपेसिटर लिया है दोनों प्लेट्स के बीच में, हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा लेकिन वो कंप्लीटली फील्ड किया है, हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाया, पोटेंशियल निकाला E इंटू डी। देखो ये जो प्रोसेस है आगे आने वाले डेरिवेशन में सब में सेम रहेगी। आपको कैपेसिटेंस निकालना है, V का फॉर्मूला पता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पुट कीजिए, सिग्मा की वैल्यू आपको फॉर्मूला आपको पुट करना है, देन पोटेंशियल का फॉर्मूला ये आपको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। इस तरह के प्रोसेस से हम डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, C की कैपेसिटेंस की जो फॉर्मूला है वो डिराइव कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को एज आप डेरिवेशन भी समझ सकते हो और आप इसको न्यूमेरिकल भी समझ सकते हो। क्यों, क्योंकि इसमें एक तरह से जो हमने डेरिवेशन किया है कैपेसिटेंस को लेके, तो वही आपको थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। कैसे करना है देखो, हमारे पास ये क्या है, क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ए, एरिया तो क्या है, ए है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी, डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या है, स्मॉल डी है। अब बात क्या आती है कि इफ द एरिया ऑफ द प्लेट्स इज डबल, अगर एरिया क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, मान लो पहले एरिया था ए और अब हो गया डबल तो 2a हो गया अब, लेकिन अब क्या होगा कि एरिया चेंज हो गया और साथ ही इसने डिस्टेंस भी चेंज किया, डिस्टेंस कितनी कर दी इसने, हाफ कर दी।
तो अब जो न्यू कैपेसिटेंस है, जो चेंज जो कैपेसिटेंस है वो कितना होगा, उसका फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। यहाँ पर उसकी कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, आपको फॉर्मूला ही थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। कैसे लिखना है देखो, सबसे पहले हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं देखिए। सबसे पहले हमें इनिशियल कैपेसिटेंस लिखना है, तो इसको लिखने के लिए आपके माइंड में इसका फॉर्मूला आ जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम या सब्सटेंस की बात नहीं हुई है, इसका मतलब क्या है, जो दोनों प्लेट्स हैं उनके बीच में एयर वैक्यूम काम कर रहा है, तो एयर वैक्यूम में जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो यहाँ जो एरिया है और जो डी है वो अफेक्ट करता है कैपेसिटेंस को, और वही आपको इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर एरिया अगर हम डबल कर दें और डिस्टेंस क्या कर दें, हाफ कर दें, तो जो न्यू कैपेसिटेंस आएगा, जो चेंज्ड कैपेसिटेंस आएगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये कोई आपको वैल्यूज़ नहीं दे रखी है, आपको सिर्फ फार्मूला चेंज करके लिखना है। तो अब आपको क्या लिखना है, चेंज्ड कैपेसिटेंस। चेंज्ड कैपेसिटेंस में आपके देखिए सी चेंज हो जाएगा क्योंकि वो डिपेंड करता है ए पर और डी पर, तो हम इसको सी से सी डैश लिख देंगे। साथ ही एरिया चेंज हो रहा है, एरिया को हम डैश लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे और डी डैश लिख देंगे। अब जो जो न्यू एरिया है हमारे पास वो पहले का कितना है, डबल है। ये पहले का एरिया है, ये इसका डबल कर दिया चेंज्ड एरिया। तो अब जो डिस्टेंस है वो कितनी लिख देंगे, डिस्टेंस कितनी चेंज हुई, पहले की हाफ हो गई तो d अपॉन 2 कर दिया हमने। तो ये दो चीज़ आपको लिखनी आनी चाहिए। हमने क्या किया, जो पहले का एरिया था वो डबल कर दिया, तो इसको हमने डबल कर दिया, चेंज्ड एरिया आ गया हमारे पास, और पहले की जो डिस्टेंस थी उसका आपने हाफ कर दिया है, तो जो न्यू डिस्टेंस हमारे पास आ गई है वो क्या आ गई है, d डैश आ गई है। अब दोनों को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, एड ए डैश हमारे पास 2a epsilon naught divided by d dash, तो d dash कितना है, d upon 2 है, तो 2 ऊपर आ गया और 2 multiply होके कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखिए students, ये जो bracket में formula है हमारे पास a epsilon naught upon d, ये कौन सा formula है, c का formula है, जो कि initial capacitance था। तो अब जो changed capacitance है वो 4 गुना है किसका, इनिशियल कैपेसिटेंस का। यही हमें डिराइव करना था, यही हमें इन दोनों का कंपैरिजन करना था। तो इस फॉर्मूले में आपको क्लियर हो ही गया होगा कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इनिशियल कैपेसिटेंस रखना है, और उसमें क्या क्या चेंजेस आए वो हमने यहाँ लिख दिए, और इसको हमने पुट किया किस में, जो चेंज्ड कैपेसिटेंस है उसके फॉर्मूले में। देन ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हमारे पास बच रहा है, ये सबसे पहले जो इनिशियल जो कैपेसिटेंस था वो था, तो इनिशियल कैपेसिटेंस का जो 4 गुना है वो क्या होगा, चेंज्ड कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।